हाय प्रभान, वेलकम बैक टू लिमिटलेस शिवांगी चैनल। सो आज का मेरा वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे अर्न करना चाहते हैं। एंड आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी, बिकॉज कभी कभी एज वी नो लाइक देर आर सम स्टूडेंट्स लाइक जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, एंड देन देयर आर यू नो सम स्टूडेंट्स लाइक जो कि मिडिल क्लास से होते हैं, जिनके पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड दे वांट टू सपोर्ट, लाइक वो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली। मे बी वो चाहते हैं कि वो अपनी फीस खुद से पे कर ले, एंड देन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास यू नो दे आर नॉट प्रिविलेज्ड, तो वो एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं या फिर उनके पास इतने सफिशिएंट मनी नहीं होते हैं। तो आई थिंक मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी अपनी एजुकेशन के साथ साथ पैसा अर्न करना चाहते हैं, बिकॉज आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, जो मैं अपनी एजुकेशन के टाइम पे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी कि मैं कैसे भी करके या तो मैं अपनी फ़ीस खुद से भर लूँ या मेरे जो खर्चे हैं वो उन चीज़ों को मैं निकाल पाऊँ। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट यू नो वेदर यू आर फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट, यू शुड नो यू नो हाउ टू अर्न मनी, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स यू नो वी ऑल कैन हैव, बिकॉज कभी भी लाइफ में सी लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल दिस स्किल्स एट वेरी अर्ली स्टेज। इट्स ऑल अबाउट यू नो इन्हेंसिंग योर स्किल्स और वर्किंग ऑन योर स्किल्स। तो मुझे लगता है कि I believe this is very important for all of us. So that's where I thought ki today I'm not going to talk about any tool or something. I'm just going to share my practical experience jiske through maine paisa earn kiya hai. And though I completed my education in 2017, like I've completed my master's in 2017, so now there is you know 7 years, like 7 year gap I can say. To abhi in 7 year mein during my you know करियर एज वेल मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जॉब के टाइम पे, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस लाइक जो मेरे कॉलेज के टाइम पे था प्लस जो मेरे जॉब के टाइम पे है। सो बेस्ड अपॉन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू 5 skills जिसके थ्रू आप पैसा अर्न कर सकते हो या साइड हसल आई कैन से। सो द फर्स्ट थिंग एज अ स्टूडेंट जो आप कर सकते हो, ट्यूशन बढ़ा सकते हो। द रीज़न वाई आई एम मैंशनिंग ट्यूशन, बिकॉज आजकल के जनरेशन में आप देख सकते हो कि ट्यूशन के लिए भी यू नो पीपल आर गोइंग टू पे अ लॉट गुड अमाउंट और आई कैन से कि बहुत अच्छा अमाउंट लोग देते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में रियली यू आर गुड, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड गिव यू नो एजुकेशन और यू नो कोचिंग और ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गुड इन मैथ, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट और इंग्लिश, तो आप उस चीज़ का यू नो ट्यूशन दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12th में हो तो आप 10th के स्टूडेंट्स को दे दो, या तो आप बैचलर्स कर रहे हो तो आप फिर यू नो जो भी 12th में है उनको दे दो, या मास्टर्स कर रहे हो तो बैचलर्स वाले को दे दो, या फिर इफ़ यू हैव एनी यू नो एनी स्किल्स लाइक मे बी इफ़ यू आर गुड एट AI और मे बी आप कुछ आप मे बी यू आर गुड एट इंग्लिश, तो बहुत सारे लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन लर्न करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश की कोचिंग चला सकते हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम तो बहुत ही क्रेज़ था इंग्लिश का, तो बहुत सारी कोचिंग्स चलती थी। आई एम नॉट श्योर कि अभी के जनरेशन अभी वो चीज़ का इतना क्रेज़ है या नहीं, बट आई एम 100% श्योर कि स्टिल देयर आर यू नो पर्सन दोज हू वांट टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड ऑल। तो और अभी का रेट जो आई कैन सी कि अगर आप बहुत अच्छे एकेडमिक्स में और आपने अच्छी जगह से पढ़ाई करी है, या फिर सी नॉट अच्छी जगह से पढ़ाई, इफ़ यू आर रियली गुड, तो आप देख सकते हो कि आपके नियर बाई में कौन से बच्चे हैं, कौन से ऐसे मे बी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यू नो कोचिंग लेनी है, तो आप उनको लेकर के 1 hour का आप चार्ज कर सकते हो 2 to 3,000 और 3 to 4,000 डिपेंडिंग कि आप यू नो आप क्या पढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिविंग एजुकेशन और ट्यूशन फॉर दी फिजिक्स और केमिस्ट्री, देन डेफिनेटली आपके चार्जेस हाई होंगे, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज समथिंग लाइक उनके ट्यूटर मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू सी कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो एंड गो एंड गिव द ट्यूशन फॉर दैट सब्जेक्ट ओनली। मुझे लगता है देन यू विल यू नो तब आपके पास बहुत सारी ऑडियंस होगी, और अगर आप यू कैन मैनेज तो आप 1 घंटे में 3 से 4 लोगों को भी पढ़ा सकते हो, तो यू विल ईजली गेट यू नो 20 to 25,000। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, एंड विद इन 1 hour आप दे सकते हो। मे बी आपने मंथ का 30 hours दिया और 30 hours में यू विल गेट 20 or 30,000। तो आई कैन से कि
अगर आप स्कूल के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे अगर 20 या 30 के भी कमा पा रहे हो, सो या आई थिंक आप अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट कर पाओगे, प्लस अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर पाओगे. सो वन थिंग, दिस इज द वन स्किल. एंड सेकेंड इज द कंटेंट क्रिएशन. सी, वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर. आप देख रहे होंगे कि यू नो इफ यू आर यूजिंग योर इंस्टा या फिर कोई सा भी पब्लिक साइट लाइक फेसबुक और समथिंग, तो आप बहुत सारे से पोस्ट डालते हो. इफ यू आर पोस्टिंग दोज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, सो यू आर अ कंटेंट क्रिएटर. बट जस्ट सिंपली पोस्टिंग ऑन यू नो सोशल मीडिया और समथिंग, यू विल नॉट अर्न मनी. सो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एज आई मेंशन कि अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, केमिस्ट्री में अच्छे हो, और इफ यू आर गुड एट यू नो कम्युनिकेशंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे कि आप अपने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दो. एंड डोंट थिंक कि आपके पास यू नो हाई फाई कैमरा है या नहीं, या फिर आपके पास हाई फाई फोन या माइक है या नहीं. नेवर थिंक अबाउट दैट, बिकॉज हम स्टार्टिंग हमेशा छोटे से करते हैं. तो जस्ट गो एंड स्टार्ट यू नो क्रिएट योर चैनल एंड स्टार्ट पोस्टिंग यू नो वीडियोज़ या शॉर्ट्स, जिसमें आप यू नो छोटे छोटे वीडियोज़ में चीज़ों को बताना शुरू करो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है मैथ्स की या जो भी आपका सब्जेक्ट हो. सो फर्स्टली आइडेंटिफाई योर नीश, मतलब आपको किस टॉपिक पे वर्क करना है. या तो आपको एजुकेशन पे वर्क करना है, या तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंटरव्यू स्किल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आइडेंटिफाई योर नीश और उसके उसके ऊपर ही आप वीडियो बनाओ. ये नहीं कि आज ये बता दिया, कल वो बता दिया, परसों, तो आपकी ऑडियंस जो है वो सेम नहीं रह जाएगी. सो दूसरी चीज़ें आप एज आई मेंशन कि आप कंटेंट क्रिएशन पे वर्क कर सकते हो. तो स्टार्ट क्रिएटिंग अ कंटेंट यू नो यूट्यूब पे, या अपना इंस्टा का पेज बना लो, या तो ऐसा करके आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो. तो यू विल स्टार्ट गेनिंग दी ऑडियंस. तो फर्स्ट डे पे यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे. दिस विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली आई एम सेइंग दैट आफ्टर 3 or 4 months यू विल गेट अ गुड ऑडियंस. तो मैंने भी सी व्हेन आई स्टार्टेड यू नो क्रिएटिंग माई वीडियो, तो मुझे भी बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि आई शुड डू समथिंग, बट मैं उस चीज़ को डिनाई कर रही थी. बट लेटली आई रियलाइज कि आई हैव यू नो सो मेनी नॉलेज अबाउट यू नो स्कूलिंग, कॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, देन डेफिनेटली आई शुड यू नो क्रिएट माई यूट्यूब चैनल. तो मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया है गाइज, बट आई वॉन्ट यू टू यू नो स्टार्ट योर चैनल एट वेरी अर्ली स्टेज. सो यू कैन क्रिएट यू नो कंटेंट, एंड अगर आप एक फेमस हो गए, देन यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. और आपका एटलीस्ट ये जो हेजिटेशन है कि मैं कैमरे के सामने नहीं जा सकता, या तो वो चीज़ें रिमूव होगी. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड और इनक्रेज यू कि आप चीज़ों को स्टार्ट करो, और नेवर थिंक कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, या जब कैमरा होगा तब करूँगा. कभी मत सोचो, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पास भी चीज़ें नहीं थी. अभी भी स्टिल आई डोंट हैव यू नो हाई फाई कैमरा और यू नो बहुत सारी लाइट्स एंड ऑल. आई जस्ट हैव वन माई वन लैपटॉप एंड एक लाइट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बट आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड गो यू नो चीज़ों को स्टॉप नहीं करना चाहिए. मे बी वन डे आई विल बाय यू नो एवरीथिंग, वो दैट इज़ फाइन, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट. एंड थर्ड थिंग इज अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज समथिंग आई थिंक, मुझे लगता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो. एवरीवेयर यू सी कि लोगों को ब्रॉशर बनाना है, लोगों को यू नो कार्ड्स बनाने हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट यू नो सोशल मीडिया मैनेजर की कोई उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल करे, पोस्ट बनाए, पोस्ट डाले, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत सारी यू नो चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है. सो इफ़ यू आर गुड एट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन डेफिनेटली यू कैन यू नो कोऑर्डिनेट विथ एनी कंपनी, और आप उनका उनके सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो. तो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज वेल मैंने बहुत सारे वीडियोज़ क्रिएट किए हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे लर्न कर सकते हो. देयर आर टूल, कैनवा, एडोब एंड ऑल, तो उस पर मैंने पूरा पूरा टूल पर ट्रेनिंग दिया है कि आप उस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए. And I tell you, you know, I taught you all the graphic designing skills, कि आपको क्या क्या, आप कैसे ब्रॉशर बना सकते हो, कैसे रिज्यूमे बना सकते हो, आप कैसे पोस्ट बना सकते हो, क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो आई थिंक यू शुड लर्न दीज थिंग्स. एंड ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर आप, एंड देन देयर आर यू नो ऐसे फ्री लैंसिंग की वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. अपना आपने जो भी एक वर्क किया है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सैम्पल्स बना लो कि आप क्या 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 बना सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एंड ऑल, तो उसका एक अपना एक जिप फोल्डर बना लो, उसमें सब चीज़ें रखो. एंड देन यू नो
जहाँ पे भी आप फ्रीलांसिंग के लिए रजिस्टर कर रहे हो वो सैम्पल्स वहाँ पे पोस्ट करो, ताकि लोग आए और आपका क्वालिटी वर्क देखें, एंड बेस्ड अपॉन दैट ओनली दे विल गिव यू नो वर्क. तो थोड़ा उन चीज़ों के लिए टाइम दो. एंड गाइस ट्रस्ट मी, ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस एंड यू कैन इजिली डू इट. आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है. आप अगर क्लाइंट आपको मिल गया तो आप उससे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो. इट्स लाइक 10,000, 20,000 एक एक क्लाइंट से आप इतना चार्ज कर सकते हो. तो यू कैन यू नो वर्क एज अ सोशल मीडिया मार्केटर. तो फिर आप एक तो सेकेंड आई मीन थर्ड स्किल्स इज ग्राफिक डिजाइनिंग. इट्स मस्ट हैव स्किल्स आई कैन से इन दिस जनरेशन, और ये कोई भी सीख सकता है. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो आई हैव क्रिएटेड ऑल द वीडियोज इन माई चैनल. जस्ट गो एंड स्क्रॉल माई चैनल एंड यू नो वॉच दोज वीडियो. आई एम श्योर कि आप वो चीज़ लर्न कर लोगे. नाउ मूविंग टू द फोर्थ स्किल एंड द आई कैन से हाई डिमांड स्किल्स, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ AI, जहाँ पे AI जो है वो रिप्लेसिंग द ह्यूमन बींग्स. बहुत सारी चीज़ों को AI खुद कर रहा है. सो यू मस्ट नो कि AI कैसे यूज करते. देर इज़ अ ChatGPT, देर आर टन्स ऑफ टूल्स आउट देर. आपको जस्ट एक कमांड देना है वो पूरी पूरी ईमेल जनरेट कर देगा. आपको जस्ट कमांड देना है वो PPT प्रिपेयर कर देगा. आप जस्ट कमांड दोगे वो पूरा पूरा वीडियो क्रिएट कर देगा. यू डोंट हैव टू यू नो इन्वेस्ट योर 2-3 hours फॉर पावर पॉइंट एडिटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन और फॉर यू नो वीडियो यू नो कि वीडियोस के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से लेके आओगे. AI सब कुछ कर रहा है. एंड इन एडिशन टू दैट AI आपको सारी टिप्स दे देगा. रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको हेल्दी कैसे रहना है, यू नो डाइट चार्ट कैसे बनाना है, कुछ भी. आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यू नो AI. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू लर्न हाउ टू यूज़ द ChatGPT, हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट एंड विच टूल्स आर आउट फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लाइक वीडियो क्रिएशन के लिए कौन सा टूल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, एंड ऐसा कौन सा टूल है जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प कर सकता है AI का. तो आई मीन आई वुड हाईली एम्फसाइज कि अगर आप स्टूडेंट हो तो थोड़ा टाइम निकाल के ये सब चीज़ें भी लर्न करो. बिकॉज इफ़ यू नो दीज AI, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, देन यू कैन डेफिनेटली अर्न अ लॉट. और इन सब चीज़ों में तो ग्रेट पॉइंट इज कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है. यू जस्ट हैव टू गिव योर 1 or 2 hours पर डे और 1 hour, लाइक डिपेंड करता है कि आपको कैसा काम और कितना काम मिल रहा है. सो AI एंड एज आई मेंशन, तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे AI के वीडियो बना रखे हैं. व्हाट इज़ AI, प्रॉम्प्ट कैसे राइट करना है, एंड देन AI के कौन कौन से वीडियोस, यू नो कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है और एप्लीकेशंस अवेलेबल है, फ्री AI एप्लीकेशंस. सो जस्ट गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज, लाइक अगर आपको डेप्थ में जानना है उस चीज़ के बारे में. बट या दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट हैविंग स्किल्स आई कैन से. एंड द लास्ट स्किल्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज वीडियो एडिटिंग. आप सबके पास फ़ोन है, आप सबके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एंड आप देखते हो कि इंस्टा पे लोग रील्स पे रील्स डाल रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे कुछ भी. तो यू कैन कोलैब यू नो विथ एनी कंपनी की, आप उनके लिए यू नो वीडियोज़ बना सकते हो, जैसा भी वीडियो उनको चाहिए. तो फॉर दैट यू शुड नो कि वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है. सो देर आर टन्स ऑफ एप्लीकेशंस आउट देयर. तो वीडियो एडिटिंग आप सीख लो. इट विल नॉट टेक मच अमाउंट ऑफ योर टाइम. इफ़ यू नो कि वीडियो कैसे एडिट करना है, यू कैन ट्रस्ट मी चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 video. तो मैंने देखा था ऐसे फ्री लांसिंग वेबसाइट पर लोग एक एक वीडियो को एडिट करने का 2,000, 3,000, 5,000 ले रहे थे, डिपेंड अपॉन कि उस वीडियो का यू नो टाइमिंग कितना है. फॉर एग्जाम्पल 10 minutes का वीडियो एडिट कर रहे हैं तो दे आर चार्जिंग क्लोज टू 5,000 to 7,000. 2-3 minutes का कर रहे तो 2,000 or 3,000. डेफिनेटली ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी एडिट करके दे दिया, दे विल गिव यू दैट अमाउंट. आपको पहले अच्छे से वीडियो एडिटिंग यू नो लर्न करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद ही आप यू नो इवेंचुअली यू विल गेट दैट अमाउंट. सो या फोकस, लाइक दीज आर द स्किल्स आई थिंक विच आई वॉन्ट टू शेयर दैट कि आपको एज अ स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू अर्न देन यू शुड नो ऑल दिस स्किल्स. सो इफ यू हैव नॉट योर टू नो, इफ यू डोंट हैव दीज स्किल्स, सो गो एंड लर्न दिस स्किल्स. अगर आपको कोई सा भी हेल्प चाहिए जस्ट एड योर कॉमेंट यू नो इन द कॉमेंट बॉक्स, बिकॉज आई डू रीड ऑल द कॉमेंट्स. मैं आपको इनपुट्स भी दूंगी. अगर आपको स्टिल देर इज एनी क्वेरी तो प्लीज़ यू नो नोट डाउन योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली यू नो हेल्प यू, गाइड यू वेर एवर यू नीड. एंड आपको लगता है कि आपको ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमाने हैं एज अ स्टूडेंट, सो आई विल ऑल्सो क्रिएट वीडियो जिसमें कि आप बहुत अच्छा अमाउंट में पैसा कमा सको. मे बी आई विल गाइड यू
यू नो आपको कोई से भी गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन, सो डू एड योर कॉमेंट. सो या दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू शेयर इन माई टूडेज वीडियो. सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डू शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और यू थिंक कि जिनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको हेल्प हो. सो दिस इज द मोटो ऑफ माई चैनल. या एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.